हेलो फ्रेंड्स, रघुनंदा फार्म्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम काजू के पौधों को यूमिक एसिड डालने वाले हैं। तो ये जो पौधे हैं, इन्हें अब लगभग 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने एक 100 ग्राम का एक पाउच लाया है ह्यूमिक एसिड का। ये देखिए, तो ये ह्यूमिक एसिड हम 100 ग्राम को 100 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और वो हर एक पौधे को 1 लीटर पानी हम लोग देंगे। तो आइए चलते हैं, इसे अब हम पानी में मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त अक्षय जी बैठे, सब बतलाए। तो ये एक 40 लीटर का टब है, तो अक्षय जी इसमें अब मिक्स करेंगे। लगभग 40 से 50 ग्राम वो इसमें मिक्स करेंगे। यूमिक एसिड हर प्रकार की खेती में आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि यूमिक एसिड की वजह से पौधों के वाइट रूट्स की डेवलपमेंट अच्छे से होती है। गोबर का खाद डिकम्पोज करने का समय कम हो जाता है, ज़मीन को भुरभुरा करता है, जिसके कारण एरेशन जो होती है मिट्टी की वो अच्छे से होती है। पौधों को जो पोषण तत्व खींचने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। पूर्ण आता नहीं मिक्स। ये 1 लीटर का बॉटल है, तो अभी हम इसको लेके अक्षय जी इन पौधों को, जैसे कि आप देख रहे, जड़ से नज़दीक ही डाल रहे वो। हर एक पौधे को हमें इसी तरह से 1-1 लीटर यूमिक एसिड देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 1-1 लीटर इस बॉटल में लेके हर एक पौधे को दिया है। हमारा यहाँ पे ड्रिप का लाइन भी डाला हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि एक ड्रिप का लाइन हमने डाला है। तो आप डायरेक्टली वाटर टैंक जो इसका ड्रिप को कनेक्टेड है उसमें आप मिला के ड्रिप से भी यूमिक एसिड आप दे सकते हैं। तो जैसे आपको फिजिबल होगा वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन यूमिक एसिड देना ज़रूरी है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए।